अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट की ग्राम पंचायत अचरोन में 3 जनवरी 2021 को गिरी सत्यावली के रेस्टोरेंट में बुरी तरह आग लग गई थी। कमर्शियल गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने की वजह से दुकान का सामान पूरी तरह से आग की भेंट चढ़ गया था, जिस वजह से दुकान स्वामी को बहुत नुकसान हुआ। जी अभी तक एक पैसा नहीं मिला। 3 जनवरी 2021 को इसमें आग लग गई थी, जिसके कारण मैंने यहाँ पर गैस वाले भी गोदाम यहाँ से आए आपके रतखाल से, वो देख के गए। कमर्शियल सिलेंडर फट गया था और मेरे से खाली आश्वासनों पर अभी तक है। अभी तक एक नया पैसा तक नहीं मिला हुआ है और मैं बहुत परेशान हूँ। इसी से मेरा रोजगार चल रहा था और इसमें मैंने पंजाब नेशनल बैंक से 6 लाख का लोन भी लिया था, जो कि उसी समय में ध्वस्त हो गया। गिरी सत्यावली का इस बारे में कहना है कि साल भर के बाद भी मुझे अभी तक सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। मैंने गैस एजेंसी को भी इसकी सूचना दी है। जी का मामला मेरे संज्ञान में है और हम अपने कार्यालय से जितनी भी कार्रवाई थी, कागजी कार्रवाई, वो हमने आगे के लिए भेज दी गई है। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है और जितनी भी कार्रवाई है वो इंडियन ऑयल करेगी। रेस्टोरेंट मालिक गिरीश सत्यावली ने बताया कि मुझे केवल आश्वासन मिला है, जिससे मैं बेहद परेशान हूँ। रेस्टोरेंट के सहारे मेरा रोजगार चल रहा था, जो अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। पीड़ित ने बताया कि उसने पंजाब नेशनल बैंक से भी 6 लाख रुपए का लोन ले रखा है। कमर्शियल सिलेंडर फटने की घटना थी, उस पर जो गैस एजेंसी है उनसे वार्ता की गई है। गैस एजेंसी द्वारा जो संबंधित इंडियन कंपनी है उनको इसका प्रकरण भेजा गया है मुआवजे के संबंध में। चूंकि इनको अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है, इस संबंध में संबंधित कंपनी और गैस एजेंसी से वार्ता की जाएगी। सल्ट से गोविंद रावत, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।